हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो घरों में एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसे हम कैसे रिपेयर करें। गाइज, जैसा कि देख रहे पा रहे हैं आप कि ये ब्रांडर बल्ब है, लेकिन ये ख़राब हो गया है। और ये देखिए, इसका जो बल्ब है उसका एक दग गया है, सीरीज वाली बल्ब जो, तो इसलिए जल नहीं रहा है। तो गाइज, फिर भी मैं आपको एक बार बोर्ड में ला के चेक करा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम बोर्ड पे लगाते हैं। गाइज, हमारे पास छोटे बोर्ड में होल्डर नहीं है, तो इसलिए हमें इसको मेन बोर्ड में लगाना पड़ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, इसके बटन ऑन है, फिर भी ये जल नहीं रहा है। ऑन ऑफ करके देख लिए रहते हैं एक बार, नहीं जल रहा है। तो गाइज, इसको हम रिपेयर करेंगे। गाइज, आपको इसी तरह से नॉलेजबल वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक दोनों करिए। गाइस, काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। काम की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फोल्ड क्या है। ये देखिए, मैं तार के एक टुकड़े से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बल्ब का फट गया है, यानी कि दग गया है वो वाला बल्ब। अब हमें इसमें क्या करना रहेगा, देखते हैं। हम आपको इसका सीरीज कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए, जब आप टेस्टर से इसको टच करेंगे, इन दोनों पॉइंट को, तो ये जलेगा। देखिए, जल रहा है इस तरह से, ये जलेगा। जब आप किसी तार से या लोहे की चीज़ से उसमें टच करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, यानी सीरीज कम्प्लीट हो जाता है। ये वाले बल्ब आप एक दूसरे में सीरीज से होते हैं, इसलिए अगर बीच का कोई भी एक बल्ब गया तो कोई सा भी ना जलेगा। तो इसको हम सोल्डिंग करेंगे। आयरन हमारा लग गया है। देखिए, सोल्डिंग करने के लिए हम रेडी हैं। आयरन थोड़ा हीट हो जाए तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ये देखिए, ये अंदर का सर्किट है इसका, जो सर्किट ओके है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉल्ट ज़्यादातर ये जो बल्ब लगे होते हैं, बल्ब इसी में ही होता है, या तो फिर कैपेसिटर इसका दग जाता है। ज़्यादातर सीरीज वाले ये लाइट ही ख़राब हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके साइड साइड में पीवीसी होता है, पीवीसी हटा लीजिए। इसके बाद फिर ये पेस्ट है। पेस्ट लगाने का फ़ायदा होता है कि ये जो हम सोल्डिंग करेंगे तो ये प्रॉपर सोल्ड हो जाता है और इधर उधर फैलता नहीं है, और अच्छी तरह से सोल्डिंग हो जाता है। गाइज, मैं थोड़े काम में बिजी हो गया था, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। कम से कम 3-4 महीने हो गए होंगे, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो मिलता रहेगा। मैं बिजी हो गया था, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह से आप उस वाले पॉइंट पे सोल्ड कर दीजिए, यानी कि इसके जो दोनों लेग जहाँ पे लगते हैं एलईडी के, लेफ्ट और राइट वाले, उनको हटा करके एलईडी को साफ करके और इन दोनों लेग को आपस में सॉर्ट कर देना है। ये सीरीज में होते हैं, तो जो कोई वाला फेक ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, दग जाता है, तो वो सीरीज का जो एक सर्किट होता है अपना, वो अधूरा हो जाता है, तो इसलिए जलता नहीं है। हमें उस सर्किट को कंप्लीट करना होगा। तो हमने सोल्डिंग कर दिया है, देख लीजिए, अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। अब ये हमारा एलईडी वाला सीरीज कंप्लीट हो गया है। तो गाइस, आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आयरन को निकाल दिए हैं और वापस इसका कवर लगाना है, बल्ब का कवर लगा लेते हैं और वापस उसी बोर्ड पे ले चल के हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो छोटे बोर्ड हैं उसमें होल्डर नहीं है। ये देखिए, बटन ऑन था, लगाते ही जल गया। देखिए ना, बढ़िया से जल रहा है। तो गाइस, मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।